मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ फ्रॉम डिस्कस कर रहे हैं 10th केमिस्ट्री। कल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे एसिड्स के कि जो हमें ये बताएंगे कि कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिड्स हैं और कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिड्स नहीं है। उसके अलावा हम एसिड्स के यूजेस डिस्कस करेंगे, इसी तरह से बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस डिस्कस करेंगे, सॉल्ट्स की टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है, सॉल्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है वो भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम उनके यूजेस भी डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड ऑफ एसिड्स, ठीक है, एसिड्स का बैकग्राउंड क्या है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज दिए थे एसिड्स के बारे में कि ये सब्सटेंस एसिड्स हो सकते हैं और ये सब्सटेंस एसिड्स नहीं हो सकते, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान का एसिड्स के बारे में क्या तस्वीर था। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड्स को प्रिपेयर किया था, एक नाइट्रिक एसिड है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और तीसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स का नाम भी देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिनरल एसिड्स कौन से हैं, उनके नाम बताएं, ठीक है, और उनको हम मिनरल एसिड्स का नाम क्यों देते हैं। तो 3 मिनरल एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। हम इनको मिनरल एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन्हें मिनरल से हासिल करते हैं, इसलिए हम इनको मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। जाबिर बिन हयान, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसने एक सोल्यूशन भी तैयार किया था जिसको नाम दिया था एक्वारिजे का, और वो सोल्यूशन उसने तैयार किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करके, और उस सोल्यूशन में ये एबिलिटी थी कि वो तकरीबन तमाम कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर लेता है, ठीक है, और जैसे गोल्ड को भी वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, जैसे चीनी पानी के अंदर हल हो जाती है, वैसे गोल्ड जो है वो भी उसके अंदर हल हो जाता था। कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवाइजर, लिवाइजर ने क्या कहा था। इन 1787 लिवाइजर नेम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड्स। लिवाइजर ने हमें ये कहा था कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है, एसिड्स हैं। ये एसिड्स क्यों हैं, विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है, तो इस वजह से उसने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको एसिड्स का नाम दिया था। क्यों नाम दिया था, क्योंकि जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता था तो जो सॉल्यूशन बनता था उसकी नेचर एसिडिक थी, इसलिए उसने उन्हें एसिड्स का नाम दिया था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर हेम्फ्री डेवी, आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। लेटर ऑन इन 1815 में सर हेम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स व्हिच आर विदाउट ऑक्सीजन। देखिए, लिवाइजर ने कहा था कि ऐसे सब्सटेंस एसिड्स होंगे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन सर हेम्फ्री डेवी ने क्या किया था, ऐसे कंपाउंड्स को डिस्कवर किया था जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं थी, जैसा कि HCl है, ठीक है। डेवी प्रूव दैट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स। उसने ये प्रूव किया था कि जितने भी एसिड हैं उसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ वर्ड एसिड, एसिड का जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, एसिडस से मीनिंग सोर, और उसका मतलब क्या है, एसिड का मतलब क्या है, सोर है। द फर्स्ट एसिड नाउन टू मैन, जो सबसे पहला एसिड जो है जिसके बारे में इंसान जानता था वो
कौन सा था? एसिडिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, और वो किसके फॉर्म में था? सिरके के फॉर्म में। सबसे पहले एसिड कौन से एसिड के बारे में इंसान जानता था? वो एसिडिक एसिड था। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो डिफाइन जो एसिड, वो भी आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा सर हेम्फ्री डेवी का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। लिवोजर का क्या था? जाबेबिन हयान ने कौन से एसिड्स को प्रिपेयर किया था, वो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये जो बैकग्राउंड है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी देख कर बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है, ये एसिड है, और ये सब्सटेंस जो है वो बेस है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर है, खट्टा टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, या फिर लेमन जूस है, अगर आप ऑरेंज की बात करते हैं, ठीक है, उसके अलावा ग्रेप्स की बात कर लें, जितने भी फ्रूट्स जो है वो सिट्रस हैं, उन सब में एसिड लास्ट में पाया जाएगा। बेसिस, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट है वो बिटर होगा, कड़वा होगा, एंड फील स्लिपरी। और जब हम बेस को टच करेंगे तो स्लिपरी सा फील होगा। कैसे स्लिपरी सा फील होगा? फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच। अगर हम सोप को टच करते हैं, ठीक है, तो वो स्लिपरी सा फील होता है। इसी तरह से सोप स्लिपरी सोप जो है उसको टच करने से स्लिपरी सा फील क्यों होता है? क्योंकि जो सोप है वो बेस से तैयार की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से तैयार की जाती है, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से तैयार की जाती है, ठीक है? तो एसिड और बेस के दरमियान जो फर्स्ट डिफरेंस है वो टेस्ट का है। एसिड का सोर टेस्ट है और बेसिस का बिटर टेस्ट है। नंबर टू, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या है? ये हमारे पास एक इंडिकेटर है। एक पेपर होगा, ठीक है, दो तरह के ये पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर में पाए जाते हैं और एक रेड कलर में होते हैं। तो एसिड्स क्या करते हैं, अगर हम पेपर को ब्लू और रेड दोनों को क्या करते हैं, एसिड में डिप करते हैं, तो एसिड ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा उसको वो रेड कलर में चेंज कर देते हैं, ठीक है? और बेस क्या करती है? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है? तो बेसिस क्या करती है? रेड लिटमस पेपर को वो क्या करेंगे? ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। ये जो सेकंड पॉइंट है, इसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है। अगर आपको कोई सोल्यूशन दे दिया जाए और आपसे ये कहते हैं कि बताएं ये एसिड है ये बेस है, तो आप क्या करेंगे? उसमें लिटमस पेपर को डिप करेंगे। जैसे पेपर को डिप करेंगे, अगर ब्लू से कलर रेड हो जाता है तो आप बता देंगे ये एसिड है। अगर रेड से क्या होता है, ब्लू हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे? ये बेस है। दे आर कुरसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। जो एसिड्स हैं वो कुरसिव होते हैं, खा जाने वाले होते हैं। घरों में भी एसिड्स का अगर यूज करते हैं, ठीक है, अगर एसिड को आप किसी चीज पे गिरा देते हैं तो वो चीज जल जाती है। अगर स्किन पे गिराते हैं तो स्किन क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो इतना ज्यादा कुरसिव है कि अगर आप फिंगर को डिप करते हैं उस कंसनट्रेटेड फॉर्म में एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की, जो 99.9% या 99.9% जो प्योर होते हैं, तो उसको आप डिप करेंगे और उसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो आपके सिर्फ क्या होंगे? हड्डियां होंगी, उसमें स्किन नहीं होगी। स्किन स्क्वेंजर है, वो स्किन को खा जाने वाला है, ठीक है? बेसिस क्या है? दे आर नॉन कुरसिव। बेसिस कुरसिव नहीं है, एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कुरसिव है। इसके अलावा बाकी जितनी भी बेसिस है वो कुरसिव नहीं है। देयर एक्वस सोल्यूशन, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, अगर आप एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हमने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था कि एसिड और बेसिस क्या है? गुड इलेक्ट्रोलाइट हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनके एनाइंस और कैटाइंस क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक है? एनाइंस और कैटाइंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। तो एसिड और बेसिस दोनों क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट होती है? मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से। अगर तो सॉल्यूशन में आयंस बन जाते हैं तो उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एसिड और बेसिस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर में मिक्स करते हैं, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है,
ठीक है, तो उनके जो एनाइंस है और कैटाइंस है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज थी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो आपने ये प्रॉपर्टीज लिखनी होगी।